शबरी को, शबरी छुपके जाती थी अपने गुरु के आश्रम में, छुपकर जाती थी, और जब उन्होंने हवन करना होता था ना, वो लकड़ी काट कर बीन कर बांध कर उनके दरवाजे पे रखाती थी और फिर चली जाती थी कि कहीं इनको पता लग गया ना भील जाती के, तो कहीं ये मेरी लकड़ियों का हवन में प्रयोग ही ना करे। तो मतंग ऋषि की शिष्या थी शबरी। ऋषि ने एक दिन अपने शिष्यों को कहा कि ये लकड़ियां कौन रख के जाता है, आज छुप कर देखना। छुप गए, भील नहीं आई लकड़ी की गठरी लेके, और लकड़ियां रखकर जाने लगी तो शिष्यों ने हाथ पकड़ लिया। मतंग ऋषि आए, बोले बेटी तू कौन है और ये सेवा क्यों करती है? कहते बस संतों की सेवा हो जाए तो शायद मुझे मेरे राम मिल जाए। मतंग ऋषि के मुख से निकला कि तुझे राम जरूर मिलेंगे। शबरी बैठकर रोने लगी, पैर पकड़ लिए कि गुरु महाराज मैं आपको गुरु मानती हूं, आज मेरे गुरु ने कह दिया ना कि राम आएंगे मुझे मिलेंगे। 16 साल की थी शबरी तब, मतंग ऋषि ने वरदान दिया, 85 वर्ष की हुई तब राम आए। लंका में जाने का रास्ता अलग था, कई किलोमीटर दूर साइड में पड़ता था, पर संत के मुख से निकला हुआ वरदान सच करने के लिए और शबरी की भक्ति को देखते हुए राम को उधर जाना पड़ा। लोग कहते हैं अहिल्या को पैर लगा के भगवान ने जीवन दान दिया, मैं कहता हूं नहीं, अहिल्या तपस्विनी थी, कोई योगी आ गए, भिक्षाम देही, बोले मुझे अंदर बैठ के भोजन करना है। अहिल्या के पति बाहर जंगल में गए थे लकड़ियां लेने, जब वो आए, तो आज भी हमारे घर में जब कोई पुरुष नहीं होता तो दूसरा पुरुष घर में नहीं आता, ऐसा संस्कार है ना, और उस समय की तो बात बहुत सख्त थी। जब अहिल्या के पति आए तो उन्होंने देखा कि अहिल्या किसी योगी को प्रसाद दे रही है, भोजन करा रही है, तो उनको शक हो गया। अहिल्या ने बड़ी कोशिशें करी कि स्वामी ये तो योगी महाराज हैं, संत हैं, तो घर यहां से जा रहे थे, मैंने भोजन कराया, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा चरित्र साफ है। तो अहिल्या का त्याग कर दिया, त्याग करके चले गए। अहिल्या पत्थर बनकर बैठ गई तप करने कि मेरे राम मेरी सच्चरित्रता का प्रमाण देंगे। भगवान राम को अहिल्या के पास भी जाना पड़ा। ये ना हमारे शास्त्रों में थोड़ा सा फेर बदल किया कि राम जी ने पैर लगाया, मर्यादा पुरुषोत्तम कभी नारी को पैर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। जब राम वहां पहुंचे तो अहिल्या पत्थर की तरह बैठी थी, पत्थर नहीं थी, पत्थर की तरह बैठकर कई सालों से तप कर रही थी, राम का इंतजार कर रही थी। भगवान राम ने अहिल्या को दंडवत प्रणाम किया और उसके चरण जैसे ही छुए ऐसी ही निद्रा उसकी भंग हो गई, उसका ध्यान भंग हो गया, ऐसे अहिल्या का कल्याण हुआ। तो शबरी जैसा बन जाओ, किसी को भी गुरु बना लो, क्योंकि बिना गुरु बनाए तो बेटी को भी रोटी बनानी नहीं आती, माँ को गुरु बनाना पड़ता है। गुरु ही बताते हैं कैसे जप करते हुए, कैसे इस साधना मार्ग पर चलते हुए उसको पाया जा सकता है। लोग कहते हैं बावड़े हो रहे हैं न्यू जाम, नहीं, जब रोटी बनाने के लिए गुरु बनाना पड़ता है भैया, तो संसार से तरने के लिए गुरु की, सदगुरु की जरूरत नहीं है। कौन बताएगा? गुरु बताएंगे कैसे बैठना है, कैसे सिमरन करना है, कैसे उसके साथ तार जोड़नी है। तो शबरी जैसा बनना है और एक दिन राम आएंगे, कृष्ण आएंगे और आपको गले से लगाएंगे। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। घाट घाट पे चित्र
त्रिकूट के घाट घाट पे अपने राम को कहां मैं बिठाऊं, कहां मैं बिठाऊं, पुराना टाट राम मेरे आ जाओ, चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ, चाय तैयार है अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं, अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं, अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं, अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं, छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरी बेर राम मेरे आ जाओ, त्रिकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ, अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं, अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं, कपिला गाय का दूध दूध में पड़ी मलाई खूब राम मेरे आ जाओ, अपने राम को कहां मैं झुलाऊं, कहां मैं झुलाऊं, अपने राम को कहां मैं झुलाऊं, कहां मैं झुलाऊं, छोटी छोटी डाली डाली झूले सीता राम राम मेरे आ जाओ, अपने राम को कैसे मैं रिझाऊं, कैसे मैं रिझाऊं, मुझको कोई है अब ज्ञान राम मेरे आ जाओ, चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ, चित्रकूट के घाट घाट पे, चित्रकूट के घाट घाट पे, चित्रकूट के घाट घाट पे, पीछे वालों जरा हाथ बागर, चित्रकूट के घाट घाट पे,
चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट राम मेरे